जयपुर से बड़ी खबर, एसएमएस में सर्वर डाउन से हालात बिगड़े हैं। आपको बता दें कि धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है। पर्ची कटवाने वालों की लंबी कतारें लगी देखने को मिल रही हैं। मरीजों और परिजनों को परेशानी हो रही है, तो एसएमएस में सर्वर डाउन से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है और लगातार लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पर्ची कटवाने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो मरीजों और परिजनों को परेशानी हो रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पर्ची कटवाने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी हो रही है, तो एसएमएस में सर्वर डाउन से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो आम जनता पहुंची है उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धनवंतरी के ओपीडी में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो पर्ची कटवाने को लेकर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मरीजों और परिजनों को परेशानी हो रही है, तो एसएमएस में सर्वर डाउन होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है, तो जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पर्ची कटवाने वालों की लंबी कतारें एसएमएस में देखने को मिल रही है। मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो एसएमएस में सर्वर डाउन से बिगड़े हालात देखने को मिल रहे हैं। जयपुर से ये आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है, पर्ची कटवाने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल से ये बड़ी खबर, एसएमएस में सर्वर डाउन से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफी लोग परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पर्ची कटवाने को लेकर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस में सर्वर डाउन से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनीष, देखिए एसएमएस में सर्वर डाउन हो चुका है और लगातार लंबी भीड़ें भी देखने को मिल रही हैं। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस समय यहाँ पे जो है हालात काफी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दो घंटे से जो है सर्वर डाउन की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि तो जिस तरीके से हालात को सुधारा जाए, किसी भी तरीके से पेशेंट जो है परेशान नहीं हो। लेकिन अब जहाँ पे क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल है, ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो लोग हैं यहीं पे आते हैं, तो हजारों लोग जो है इस समय धनवंतरी की जो ओपीडी है यहाँ पे खड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो है कोशिश यही की जा रही है किसी तरीके से इनको जो है दूसरे तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था करके पर्चियां दी जाए और पर्चियां देने के बाद में डॉक्टर्स यहाँ पे देखें, तो धीरे धीरे जो है पर्चा काटने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अब ऑनलाइन जो सिस्टम है, जिस तरीके से जो पर्चियां कटती है सर्वर के माध्यम से, वो पर्चियां बिल्कुल अभी नहीं कट पा रही है, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बिल्कुल जो है ये एक बड़ी परेशानी जो है लोगों के सामने है, मरीजों के सामने है, तीमारदारों के सामने है, और इन सभी जो समस्याओं जो परेशानी है इसको लेकर जो है एसएमएस की तरफ से हल निकालने के लिए प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। जी जी शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एसएमएस में सर्वर डाउन से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धनवंतरी के ओपीडी में सर्वर डाउन हुआ है और लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएमएस में सर्वर डाउन हुआ है और इसको लेकर मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस में सर्वर डाउन होने के कारण हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। पर्ची कटवाने को लेकर लंबी कतारें एसएमएस अस्पताल में देखने को मिल रही है।